तो चलिए गाइस अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में जाएं, मैं तो क्रोम में कर रहा हूं, तो आप भी गाइस हो सके तो क्रोम ही ओपन करें एंड amazon.in पे चले जाएं। जैसा कि आप सिंपली सब जानते हैं, मैं पहुंच गया हूं। आपको करना क्या है, इसी डेस्कटॉप साइट पे लेके जाना है। अगर आप कंप्यूटर में बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल में बना रहे हैं तो ऊपर ये 3 डॉट दिख रही हैं, उन पर क्लिक करना है एंड आपको जो डेस्कटॉप साइट पर करना है। तो गाइस आपका जो अमेज़ॉन होम पेज खुल जाएगा, बिल्कुल जैसे आप मोबाइल सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर में डेस्कटॉप में खुलता है, उस तरीके से खुल जाएगा। तो अब आपको करना क्या होगा गाइस, क्योंकि मैं आपको इसको नीचे सरकाना है, मतलब कि सबसे नीचे जाना है एंड यहाँ पे लिखा होगा मेक मनी विद अस, ये नहीं ये लिखा है मेक मनी विद अस, इस पर बिकम एफिलिएट पे क्लिक करना है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप बोल ना हो, क्योंकि और तो आप सब पढ़ ही लेंगे खुद करेंगे। तो इसको करने के बाद मैं आपको ये येलो ऊपर मैं इसको जूम इन करूँगा। जूम इन करने के बाद ये येलो में लिखा है ज्वाइन फ्री नाउ, फ्री ज्वाइन नाउ फॉर फ्री के लिए क्लिक करना है इस पर। अब मेरी यहाँ पर कुछ प्राइवेसी है इस, मेरा फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह तो मैंने उसको हाइड कर रखा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आपको क्या आएगा वहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपका नाम आएगा, पाई नेम किसके नाम से बनाना चाहते हैं एंड आपका फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी आपको फॉर्म फिल करते हैं। बट ये दूसरे नंबर का फॉर्म है गाइज, अगर आपके पास वेबसाइट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, यूट्यूब मतलब आपके चैनल का लिंक है, यहाँ पे भी चैनल का लिंक कर दो और नेक्स्ट कर दो। मैंने तो ऐसे किया गाइज, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट एंड यूट्यूब लिंक कर सकते हैं, ओके गाइज। तो अब यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में एक और फॉर्म फिल करना होगा, उसमें आपको डिटेल भरनी होगी। वो डिटेल किस टाइप की होगी मैं भी आपको बता देता हूँ, ये लोड हो रहा है अभी। तो गाइज अब ये खुल के आ गया है एंड अब आपको इसमें करना है, जैसे एसोसिएट आईडी में आपको भी नाम दे सकते हैं, जैसे कोई भी अपने मैंने दे रखा है, जैसे टैक्स शॉप के नाम से मैंने दे रखा है इसमें नाम KCHS, ऐसे ही। अब इसमें कुछ आपको लिखना है भाई, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, जैसे आपको अच्छा हो, मैंने तो कम लिखा है, हेलो वट एवर ये फलाना एंड ये फॉर्म भरना है। आप कैसे क्या करना कर सकते हो, कैसे मतलब इसके जो क्या बोलते हैं इसके ट्रैफिक को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे कैसे इसके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह वगैरह, ये सब आपको अपने तरीके से भर लेना है गाइस, इनको कुछ नहीं करना। सिंपली ये सब कुछ ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप का है ये। अगर आप इसको गलत भी भर दोगे करने का, इस गलत नहीं भरने का, सही सही भरने का, वैसे तो सही भरा जाएगा जैसे कि मैं भर रहा हूँ, आप उसी तरीके से कर लें एंड फिर आप खुद देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको भरना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। अब ये करने के बाद गाइस ये कोड दिख रहा है आपको नीचे, ये कोड ये वाला ये कोड आपको फिल करना है। एंड सभी टर्म्स कंडीशन ओके करके फिनिश कर देना है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, ये गलत नाम लिख दिया, तो अब आपको दोबारा करना है ये तो कोई टेंशन नहीं। अब मैंने क्या गलती की इसमें देखो, मैं बताता हूँ, गलती होगी तो आपके सही यहीं पे हो जाएगा। मैंने इसको ब्लैंक रख दिया, इसको फिल करना है, कुछ भरना है इसमें टेल अबाउट मतलब मोबाइल ऐप के बारे में कुछ ऐसे कुछ करके लिखना है, ये हेलो मैंने ऐसे नॉर्मल लिख दिया। बाद में फिर आप कुछ एडिटिंग कर लेना इसमें जब आपका ये पूरा अकाउंट बन के तैयार हो जाए। तो गाइस अब फाइनल स्टेज पे हो गया एंड मेरा अकाउंट है जो कि बन चुका है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी एसोसिएट आईडी ये है, कांग्रेस कुलदीप एंड वगैरह वगैरह, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, मैं इसे पढ़ के सुना दूँ बट आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, आप खुद अपना करके देखें, जब खुद करके देखना काफ़ी अच्छा लगेगा, जब बनाओगे तो आप ऐसे
एंड उससे भी अच्छा जब लगेगा जब आप इससे अर्निंग करोगे गाइस। मैं तो दुआ करता हूँ भगवान से कि आप जो भी हो यूट्यूबर वगैरह आपका चैनल ग्रो करे। एंड आपको करना क्या है, मैं इसमें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालूंगा गाइस, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह वगैरह, क्योंकि सभी आपके सामने आता जा रहा है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में जो मांग रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि पे 1000, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पे नंबर मांगा मैं, मतलब बस